एक समय की बात है जहां हरियाली से भरे मैदानों में स्थित एक छोटे से गांव में एक किसान जॉन नामक व्यक्ति रहता था। वह अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। एक दिन गांव में एक भारी तूफान आया जिसके कारण एक बड़ा सैलाब सब कुछ नष्ट कर दिया, जिसमें जॉन की फसलें और पशु पक्षी समेत सब कुछ खो दिया। जॉन इस हानि से विध्वस्त हो गया और निराश हो गया। अपने मनोभाव से उथल पुथल होते हुए जॉन गांव में बेकार घूमने लगा, उम्मीद छोड़ दी थी। जब वह चलता हुआ था तो वह एक पेड़ के नीचे बैठे हुए एक बुजुर्ग आदमी के पास पहुंचा। उसने जॉन की निराशा को देखा और उससे कहा, जवान आदमी, तुम इतने निराश क्यों दिख रहे हो? जॉन ने गहरी सांस ली और अपनी दुख भरी कहानी साझा की। बुजुर्ग आदमी ने सब्रपूर्वक सुना और फिर कहा, मेरे दोस्त, याद रखो कि जीवन मौसमों की तरह होता है। जैसे कि कठिन तूफान ने तुम्हारी फसलों को नष्ट कर दिया, वह गुजर जाएगा और एक नया मौसम नए अवसर लाएगा। उम्मीद मत छोड़ो। हालांकि संदेहपूर्ण रहकर जॉन बुजुर्ग आदमी के बयान पर सांत्वना पाई। उसने फैसला किया कि वह सलाह को मानेगा और अपना जीवन शुरू करेगा। उद्यम और सतत प्रयास के साथ उसने मिट्टी को हल चलाना और नए बीज बोना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी फसल उगने लगी और उसका खेती बाड़ी एक बार फिर से सफल हो गई। वर्षों बाद गुजर गए और जॉन की मेहनत के तहत गांव में विकास हुआ। लोग उसकी संघर्षशीलता की प्रशंसा करते थे और मुश्किल समयों में उसके मार्गदर्शन की मांग करते थे। एक दिन एक युवा किसान जॉन के पास गया और उससे पूछा, सर, आपने सब कुछ खोकर फिर से शुरुआत करने की शक्ति कैसे पाई? जॉन मुस्कान देते हुए और उसकी कहानी साझा करते हुए कहा, मेरे दोस्त, मेरी कहानी का मोरल यह है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हों, हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए। जीवन हमारे सामने चुनौतियां रखेगा, लेकिन हमें उनसे ऊपर उठने की शक्ति ढूंढनी होगी। परेशानियों के सामने हमें नए से शुरू करने की शक्ति ढूंढनी चाहिए। युवा किसान जॉन की कहानी से प्रेरित हुआ और उसने अपनी मुसीबतों का सामना साहस से किया। और जैसे कि जॉन, उसने भी अपने प्रयासों में सफलता प्राप्त की और दूसरों के लिए आशा की किरण बन गया। उस दिन के बाद गांव ने जॉन की संघर्षशीलता की कहानी को अपनी दिल में रखा। वे सीख गए कि पिछली हार अंत नहीं है, बल्कि एक नई चर्चा की शुरुआत है। उन्होंने समझा कि उम्मीद कभी न खोएं, चाहे सबसे कठिन तूफान का रात कितनी अंधकार ध्वनि क्यों लगे, नए दिन की प्रकाशमय लौटने वाली होती है उनके लिए जो हारने को तैयार नहीं होते।